मॉर्निंग एवरीबडी। चलिए आज चैप्टर वन रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं, ठीक है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion, है ना। या तो पूरी तरह से ना लॉन्ग डिवीजन करने पे डिवाइड हो जाए या फिर है ना नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन आता है, ये हमें बताना है। तो इसको बताना है लेकिन विदाउट एक्चुअली परफॉर्म, हमें परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो वन बाय वन हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि हमें, मैं परफॉर्म करके बताऊंगा कि कैसे हमें बिना परफॉर्म करे निकालना है, ओके। चलिए ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, 13/3125, ठीक है। ये हमने लिखा और इसका जो डिनोमिनेटर है ना, जो हर होता है, उस हर को हमें देखना है कि ये यदि 2n 5m के फॉर्म में है, इसका मतलब हमारा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग आएगा, है ना। पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा हमारा ये नंबर, और ठीक है जो भी पॉइंट्स में वैल्यू आए, डेसिमल एक्सपांशन मतलब वही दशमलव में जो भी आएगा, ठीक है। तो 13/3125 इसको यदि हम फैक्टर करें, 3125, देखिए 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो हमें 5 से करना होगा। 5 से 6 बार 5 का 30, 25, 625 हो जाएगा। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा, यहाँ पर 25, देन यहाँ पर 5 आ जाएगा, एंड 5 1 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें डिनोमिनेटर में क्या मिला, इसको अपन लिख सकते हैं 13/, डिनोमिनेटर को 5 की पावर 5, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा 2n 5m इस फॉर्मेट में डेसिमल दिखाई दे रहा है, दैट्स इस फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, हर दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट बोल देंगे, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में जो इसके बाद है, उसके बाद में हम पूरी तरीके से दोनों तरीके से परफॉर्म करेंगे, डिवाइड भी करके देखेंगे, और इसमें भी फैक्टर पावर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ यहां पर इतना ही करेंगे, ठीक है। अगेन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं। अब देखिए सेकेंड हमारा 17/8, है ना, 17/8। अब इसमें भी हम डिनोमिनेटर देखेंगे, तो डिनोमिनेटर क्या है, 8, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2, 4 8, 2 2 एंड 2 1। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 17/8 की जगह पर 8 का 2 की पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और यहां पर भी ये हमारा 2 की पावर n 5 की पावर m इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है ना, इसी फॉर्मेट में। इसका मतलब 2 की पावर कुछ भी मिल जाए या 5 की पावर भी कुछ भी मिल जाए तो भी ये डिविजिबल होता है, पूरी तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हमारा आता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इट इज अ। देखो हम सिर्फ कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओनली डिनोमिनेटर को देख के ही हम कर दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल सॉल्यूशन एंड वी आर डूइंग अवर सॉल्व अवर क्वेश्चन लाइक दैट। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्स एक्सपांशन, ठीक है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड, इसके बाद है हमारा थर्ड 64/445। चलिए यहां इसको देख लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर लेंगे, डिनोमिनेटर में 455, इस डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करके देखते हैं, 3 से जा रहा है क्या, देखो 5 है तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा रहा होगा तो 3 से नहीं जा रहा, ये यहाँ पे डिविजल हो गया 5, तो रिमाइंडर बच गया, इसलिए 5 से करेंगे, 5 9 41, 5 1 5। चलिए अगेन 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 7 से करके देखते हैं, 7 1 7 2 7 1 7 हो गया, और ये 3 times 21, इट मीन्स 13 1। अब चेक करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 64 अपॉन
फॉर 45 को हम लिखेंगे 64 अपॉन 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब यहां देखिए, यहां पर 2n5m इस वाले फॉर्मेट में से 5 तो हमें मिल गया है, लेकिन ये जो फैक्टर्स हमने देखे थे 7 और 13, यदि किसी भी नंबर को हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे जिसकी लास्ट डिजिट 3 या 7 है ना, या फिर 5 है, 5 से भी कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 7 से, 3 से है ना, तो इस तरह के जो भी फैक्टर्स है इनसे डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसको डायरेक्ट बोल देंगे है ना, इट इज नॉट इन द फॉर्मेट, द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n5m, प्रॉपर 2n5m के फॉर्म में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, इस तरीके से हमारी बात होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ। चलिए अब फोर्थ देखते हैं, 15/1600। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए, इसको 1600 को यदि हम फैक्टर कर लें है ना, फैक्टर कर लें, अब डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं ना, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म नहीं भी करूं तो चलेगा, चलो कर लेते हैं। 2 यहां पर 800, यहां पर देन 400, यहां पर देन 200, अगेन 100, अगेन 50, अगेन 25, देन 5, देन 515। अब देख रहे हैं आप, इसको यदि हम लिख रहे हैं 15 अपॉन 1600 को क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2, ये आपको फैक्टर मिल गए। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है ना, इन द फॉर्मेट ऑफ 2n5m, ये फॉर्मेट एग्जैक्ट मिल गया, दैट्स व्हाई इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, जो कि आपको यहां दिखाई देगा, ये चीजें आपको ऑलरेडी दिखाई दे जाएगी है ना, आपको परफॉर्म करने की भी जरूरत नहीं, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा अच्छे समझ में, इसलिए मैं ऐसा परफॉर्म कर रहा हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फिफ्थ है, 29/343, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगेन यहां पर डिनोमिनेटर है 343, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 से जाएगा क्या, 3 1 3, नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से चेक करते हैं, क्योंकि 5 से तो होगा नहीं। 7 4 28, बचा कितना, 6, 7 63 हो गया, तो 7 9 63, मतलब 9 टाइम्स, 7 9 3, अगेन 7 7 49, 7 2 7 49, 7। इसका मतलब हमारे पास क्या मिला, हमारे पास नंबर है 29343, इसका लिख दिया हमने 29/7³। ऑब्वियसली ये वाला जो डिनोमिनेटर की पावर है 2n5n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है ना, एक्सपांशन। सिर्फ हमें यही चीजें बतानी है ऐसा करते करते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सिक्स्थ देख लेते हैं। चलिए अब हमारा है सिक्स, 23/2 3 to the power 3, 5 to the power 2, मीन्स 2 की घात 3 और 5 की घात 2। इसका मतलब यहां पर जो हर है, हर यहां पे सीधा दिखाई दे रहा है कि 23/2 3 5 to the power 2, यहां पर जो डिनोमिनेटर सीधा दिखाई दे रहा है 2 की पावर n 5 की पावर n m के रूप में है ना,
तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपांशन है, एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपांशन है ना, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद सेवंथ, चलिए सेवन देखिए, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 1/29 upon 2 की पावर 5 की पावर 7 and 7 की पावर 5, इस तरीके से आपको दिया हुआ। तो अगेन यहां पर देखिए 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ठीक, इन दो इसमें भी अगेन देख रहे हो आप, यहां पर ये 2 की पावर n और 5 की पावर m तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ये जो फैक्टर है एक्स्ट्रा हो गया जो कि 7 है। तो 7 से क्या होगा, हम जब भी डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटरी रिपीटिंग, ठीक है। सो डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो अब ये चीज हम कहां से कर रहे हैं, आपको थ्योरम मैंने पहले भी समझा चुका हूं, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरी तरीके से इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ था, है ना, इन थ्योरम्स के ऊपर, ठीक है। तो आप वहां पर इसके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं डिटेल्ड में, और इस तरीके से हमें बिना विदाउट ज्यादा कैलकुलेशन के यहाँ पर इसको परफॉर्म करना है। चलिए सेवंथ हो गया है, और जल्दी जल्दी हम आगे और देख लेते हैं, 8th, 9th and 10th और देख लेते हैं। चलिए 8th में देखेंगे, 6/15 लिखा हुआ है, 8th क्वेश्चन है हमारा, है ना, फर्स्ट का, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहां देखिए 6/15, यहां पे डिनोमिनेटर 15 है, 15 का यदि हम करें प्राइम वेक्टर्स, तो 3 5 15 5 1 5, है ना, 3 5 6 15 5 1 5, ये हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 6/3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। देखिए अब यहां पर भी 2n 5m के फॉर्मेट होना चाहिए, या तो अकेला 5m हो, या अकेला 2n हो, या फिर है ना कोई भी अगर ऐसे 3 ऐसे फैक्टर साथ में नहीं हो। अब ये फैक्टर साथ में है, इसका मतलब इसकी वजह से क्या हो गई, ये जो डेसिमल एक्सपांशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ठीक है ना, रिपीटिंग होगा, कहीं रिकरिंग भी आएगा, तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, जबकि हमें सिर्फ इतना ही देखना है, तो इससे हमें पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसकी वजह से ये पूरा पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8th के बाद 9th, हमारा 9th क्वेश्चन है 35/50, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर है 50 को हम फैक्टराइज करते हैं 25 5 5 25 5 1 5, है ना, तो अब इसको हम लिखेंगे 35/50, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 35/50 की जगह पर 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2। अब यहां पर चेक कीजिए, यहां पर 2 की पावर n और 5 की पावर m है ना, इस फॉर्मेट को ये डिनोमिनेटर सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, और अकेले भी यदि 2n और हो ओनली और 5m भी हो तो भी ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ही रहेगा, ठीक है, तो इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नाउ लास्ट वन, नाउ 10th क्वेश्चन, 77/210, सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए 77/210 यहां लिखा हुआ है, 210 को हम लिखेंगे 2 1 0 5 1 0 5, यहां पर जाएगा 5 3 3 9 1 3 5 5 7 and then 7 1 0, ठीक है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं इसको 77/2 1 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1, इट मींस अगेन यहां पर 2 और 5 तो है, 2n और 5m भी है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्टर्स 3 एंड 5 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देगा, सो दैट्स व्हाई नॉन, इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है ना, डेसिमल एक्सपांशन चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोल सकते हैं, डेसिमल एक्सपांशन। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अगला वीडियो में हम इसका सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों को ही कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ओके, अब वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, और कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई टॉपिक आप चाहते हैं उस पर बनाना तो बिल्कुल अगर आप कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है? ताकि और आपको है ना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ। अभी 10th क्लास का मैथमेटिक्स चल रहा है। चलो, हैव ए नाइस, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।